ठीक है ना राधा? किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पहले ही आने वाले, किंतु स्वतः ही सब कुछ ठीक हो। प्रकृति की ये लीला विचित्र ही है ना। नारायण को सच सच तपत, उन्होंने मेरी राधा को ठीक। राधा के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया कंस, उचित नहीं किया। अब कंस अपने सारे पापों का परिणाम भुगतेगा। अब इस कंस का ऐसा अंत होगा जिसके पश्चात हर एक पापी कोई भी पाप करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचेगा। अब इस कंस का अस्तित्व शीघ्र ही दुख और पीड़ा में डूबने को। प्रत्येक पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा कंस। अपने प्रत्येक पाप का आकलन तुम्हें देना होगा। आज से तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान होगा और जब तुम अपने प्रत्येक पाप का फल भोग चुके होंगे, जब तुम इस ब्रह्मांड की हर एक पीड़ा भोग चुके होंगे, तब कंस मैं आऊंगा तुम्हारा अंत करने। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारे काल की उल्टी गिनती शुरू कर। प्रलय का क्षण अब चला गया, अब प्रेम की बेला आई। क्या आप मुझसे मिलने नहीं आओगे? मैं तो यही हूं कृष्ण, तुम्हारे पास। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। अब ये लड़ तुम्हें सता नहीं रही? जब इसे सवारने वाला मिल गया हो तो भला कैसी परेशानी। तुम जहां से गई थी वही लौट आई हो राधा। नदी की यात्रा कितनी दीर्घ क्यों ना हो कृष्ण, किंतु उसका अस्तित्व उसे सागर में विलीन होकर ही प्राप्त होता है। हाँ, वो अपना मार्ग नहीं जानता, उसे अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। कभी कभी भटक भी जाती है, मैं भी भटक गई थी, किंतु अपने कृष्ण की ओर जाने वाले मार्ग को मैं भूली नहीं।
राधा कहाँ है? और कृष्ण वो कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कि कृष्ण कहाँ गया है? वो किसी को बता कर थोड़े ना जाता है, बट फंसा कर जाता है। विशेषकर मुझे न जाने आज भी कहाँ चला गया। लो कृष्ण आ गया। अच्छा कहाँ है? राधा के साथ गया था। चंद्रावली क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों? देखना विवाह के सभी प्रबंध इतने अच्छे से संपन्न होंगे कि लड़के वाले देखते ही रह जाएंगे। लड़के वाले होंगे तो देखेंगे ना। कृष्ण मेरे तो कोई मित्र ही नहीं है। मेरे माता पिता की ओर से कुछ लोग आएंगे किंतु मेरी ओर से कोई मित्र नहीं आएगा। ऐसी बात है, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। गोवर्धन क्या चाहिए तुम्हें बताओ? विवाह में रंग भरने के लिए कोई चाहिए, दुल्हन पक्ष को सताने के लिए कोई चाहिए ना, हर खेल में दुल्हन पक्ष को पराजित करने के लिए कोई चाहिए ना, यही समस्या है ना। अरे तो तुम निश्चिंत रहो, ये कार्य मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, मैं हूं ना, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा पूरे दिल से। अच्छा तो तुम दुल्हन को अर्थात मेरी बहन को सताओगे, हराओगे उसे? नहीं 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 नहीं, मैं दुल्हन को नहीं सताऊंगा, नहीं, केवल दुल्हन को नहीं सताऊंगा, उसके साथ उसकी सारी सखियों को सताऊंगा। अरे राधा हम लड़के वाले हैं, ये तो हमारा अधिकार है। ठीक है यदि तुम लड़के वाले हो कृष्ण, तो मैं लड़की वाली हूँ। जो तुम कह रहे हो ना वो मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी। अच्छा जी जी अच्छा, देखते हैं। देख लें। मन में एक सुखद सी संवेदना दौड़ रही है, था एक भाव कि राधा कृष्ण का ये नाता एक सुखद स्तर पर पहुंचने वाला है।